MediaTek Dimensity 810 का तगड़ा 5G चिपसेट, 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट, अप टू 7 5G बैंड्स, सुपर एमोलेड डिस्प्ले और 33 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 4 बेस्ट फोन्स अंडर 12,000 रुपीज। और गाइज, आज के सभी स्मार्टफोन के अंदर आपको फीचर्स काफी बढ़िया मिलने वाले हैं, जिससे कंफ्यूजन भी आपके लिए काफी ज्यादा हो जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ पर सभी स्मार्टफोन के प्रोस और कॉन्स को ऐड कर दिया है, जिससे आप एक परफेक्ट डिसीजन ले सकेंगे। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और काफी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर सभी स्मार्टफोन को रैंक किया हुआ है ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 4 की। और नंबर 4 पर हमने रखा है इस बजट का वन ऑफ द बेस्ट नॉन चाइनीज फोन, जहाँ पर आपको नंबर 1 क्वालिटी की डिस्प्ले मिल जाती है, अच्छे कैमराज दिए गए हैं और साथ ही साथ लंबी चलने वाली बैटरी भी आपको मिल जाती है। दोस्तों, ये फोन है यहाँ पे सैमसंग का गैलेक्सी F22। इस फोन के अंदर आपको क्या कुछ दिया गया है, पहले बात कर लेते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो फोन आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, लेकिन TUV रिनलैंड सर्टिफाइड है, तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती है। बाकी रही दोस्तों डिजाइन की बात, तो वो अपना अपना टेस्ट होता है। स्मार्टफोन का डिजाइन आपको कैसा मिलता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी रही फोन के कुछ अदर फीचर्स की बात, तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 3.5 mm का जैक दिया गया है। फोन के अंदर आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर मिल जाते हैं। और हाँ गाइज, ये फोन आता है ट्रिपल कार्ड ऑप्शन के साथ में, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और ये फोन आता है वन ऑफ द बेस्ट यूजर इंटरफेस के साथ में, जहाँ पर आपको मिल जाता है सैमसंग का One UI 3.1। और दोस्तों, ये बेस्ड है एंड्रॉइड 11 पर। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 मिलता है, लेकिन मई महीने के आसपास में आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 12 का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। फोन का दोस्तों सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है, आपको यहाँ पर यूजर इंटरफेस में कोई शिकायत नहीं आती। चलिए अब जान लेते हैं फोन के बाकी फीचर्स के बारे में। दोस्तों, ये फोन आता है 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड पैनल के साथ में, लेकिन आपको यहाँ पर HD+ की रिजोल्यूशन मिल जाती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट आपको यहाँ पर दिया गया है और आपको यहाँ पर मैक्सिमम 600 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है। तो डिस्प्ले दोस्तों अच्छी है, हालांकि फुल HD+ होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। रही बात गेमिंग की, तो आपको यहाँ पर 90 Hz की रिफ्रेश रेट और 180 Hz की टच सैम्पलिंग रेट भी मिल जाती है। ओवरऑल देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो डिस्प्ले मिल रही है वो दोस्तों काफ़ी अच्छी है, आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे कलर्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है, तो ओवरऑल डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। रही बात दोस्तों फोन के कैमरास की, तो इस फोन के बैक में लगे हुए हैं 4 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा आपको मिल जाता है 48 MP का, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो और 2 MP का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है। सामने की तरफ आपको मिलता है 13 MP का सेल्फी कैमरा। और ओवरऑल कैमरा सेटअप तो फोन का अच्छा दिया ही गया है, साथ में आपको यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है। डे लाइट में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपको यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है 30 FPS तक फ्रंट और बैक कैमरा से। कैमरा मॉड्यूल आपको यहां पर अच्छा मिल जाता है। फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पर आपको दिया गया है MediaTek Helio G80 का चिपसेट, जो कि आपको यहां पर डिसेंट टाइप की गेमिंग करा सकता है, डिसेंट टाइप की परफॉर्मेंस आपको यहां पर मिल जाती है। 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ चिपसेट है, तो आपको यहां पर हीटिंग वगैरह की शिकायतें थोड़ी मोड़ी रहती हैं, लेकिन दोस्तों ओवरऑल फोन की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, तो डेली टास्क मल्टीटास्किंग आप यहां पर आसानी से कर सकते हैं। और गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर लगभग 2 लाख के आसपास के अंततः स्कोर मिल जाते हैं, जिसका मतलब साफ है दोस्तों कि आपको यहाँ पर डिसेंट टाइप की गेमिंग परफॉर्मेंस भी मिल जाती है। इन सभी के अलावा फोन के बैक साइड में लगा हुआ है 6000 mAh का बैटरा, जो कि आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफी आराम से दे देता है। साथ ही में ये स्मार्टफोन 15 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 15 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट दी गई है। बैकअप के हिसाब से आपको यहाँ पर बैटरी मॉड्यूल भी अच्छा मिल जाता है। रही बात फोन के प्रोस की, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी और सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और कॉन्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको नॉर्मल HD+ वाली डिस्प्ले दी गई है, जबकि फुल HD+ होता तो और ज़्यादा बेहतर होता। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको नॉर्मल टाइप की गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है। 4GB रैम और 64GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए आपको देने होंगे 11,999 रुपये। वैसे दोस्तों काफ़ी सिक्योर फोन है और नॉन चाइनीज़ भी है, तो अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। सभी के जो बेस्ट बाय लिंक्स हैं वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इस लिस्ट के अगले फ़ोन की तरफ। और अगला जो फ़ोन है दोस्तों, वो आपको इस बजट के हिसाब से परफॉर्मेंस भी अच्छी निकाल कर देगा। फ़ोन के अंदर आपको बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले मिल जाती है
और गाइस अगर आप यहां पर एक अच्छा सा मल्टीमीडिया फोन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इस फोन की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों ये फोन है यहां पर Redmi का Note 11। फोन आपको यहां पर प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, हालांकि TUV निलना सर्टिफाइड है तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहां पर शिकायत नहीं आती है। और हां गाइस ये स्मार्टफोन हल्का फुल्का वाटरप्रूफ है, जो कि इस स्मार्टफोन का एक और एडवांटेज है। रही बात डिजाइन की तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिजाइन आपको यहाँ पर बिल्कुल भी Redmi Note 10 की तरह मिल जाएगा, लेकिन डिजाइन देखा जाए तो काफी अच्छा दिया गया है। फोन की कुछ अदर फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पर हमें साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 3.5mm का जैक मिल जाता है। फोन के अंदर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं तो ऑडियो भी आपको अच्छी और लाउड मिल जाती है। रही बात कार्ड स्लॉट की तो दोस्तों ये फोन आता है ट्रिपल कार्ड ऑप्शन के साथ में, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और ये स्मार्टफोन रन करता है Android 11 बेस MIUI 13 पर, जो कि दोस्तों काफी बग फ्री हो चुका है, तो आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है। दोस्तों अब समय हो चुका है कि हम बात कर ले इस स्मार्टफोन के बाकी फीचर्स के बारे में। इस फोन में आपको दी गई है 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED की पैनल, जहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है और मैक्सिमम आपको यहाँ पर 1000 नीट्स की ब्राइटनेस भी दी गई है। तो देखा जाए तो फोन का जो डिस्प्ले वो तो काफी अच्छा मिल जाता है। गेमिंग के लिए भी आपको यहाँ पर 90Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है। तो भाई डिस्प्ले आपको यहाँ पर काफी अच्छी दी गई है, डिस्प्ले में आपको कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आती। तो भाई इसके सामने की तो हमने बात कर ली, अब इस फोन के बैक की बात कर ले तो फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 4 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा आपको दिया गया 50MP का, 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 का मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। और सामने की तरफ सेल्फी के लिए 13MP का आपको सेल्फी स्नैपर दिया गया है। तो देखा जाए तो कैमरा सेटअप फोन का अच्छा दिया गया है और इमेजेस भी काफी अच्छी मिल जाती हैं। डे लाइट में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती। अगर आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है फ्रंट और बैक कैमरा से 30fps तक। तो अगर आपको यहाँ पर वीडियो बनाने का ही शौक है तो दोस्तों मेरे हिसाब से स्मार्टफोन को आपको स्किप करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं फोन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये फोन आता है Qualcomm Snapdragon 680 के 4G चिपसेट के साथ में। जी हाँ दोस्तों, ये एक 4G चिपसेट है और 6nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस तो उतनी अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन डे टू डे यूजर्स के लिए आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है। आप यहाँ पर मल्टीटास्किंग वगैरह भी आसानी से कर सकेंगे। रही बात गेमिंग की तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर डिसेंट लेवल की गेमिंग करा सकता है। अगर हम इस चिपसेट को कंपेयर करें तो आप इसे Qualcomm Snapdragon 665 और 662 से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि एक डिसेंट टाइप के प्रोसेसर थे, तो वैसा ही प्रोसेसर ये भी आपको मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस आपको फोन के अंदर डिसेंट मिलती है। और फोन के अंदर लगी हुई है UFS 2.2 की स्टोरेज, जिसकी मदद से आपको यहाँ पर रीड और राइट की स्पीड भी फास्ट मिलती है और एप्स लोडिंग टाइम भी आपको यहाँ पर फास्ट मिल जाता है। और भाई इन सभी को पावर देने के लिए फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000mAh की बैटरी। अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको यहाँ पर 1 से 1.25 दिन का बैकअप काफी आराम से मिलता है। और रही बात फास्ट चार्जिंग की तो फोन यहाँ पर 33W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 33W का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया, जो कि काफी अच्छी बात है, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है, तो फोन का बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के प्रोस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफी अच्छी मिल रही है, डिजाइन भी अच्छा दिया गया है, बैटरी लाइफ भी फोन की काफी अच्छी मिल जाती है और स्टीरियो स्पीकर्स फोन के अंदर काफी लाउड दिए गए, तो वहां पर आपको शिकायत नहीं आने वाली। लेकिन अगर कॉन्स की बात करें तो आपको यहाँ पर डिजाइन पुराना वाला ही दिया गया, हालांकि अच्छा है। और दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर लॉन्च किया गया, जबकि स्मार्टफोन को एंड्रॉइड 12 पर लॉन्च किया जाना चाहिए था। साथ ही में दोस्तों इस प्राइस पर हमें काफी तगड़े चिपसेट मिल जाते हैं गेमिंग के लिए, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर हमें एक डिसेंट टाइप का प्रोसेसर मिलता है। तो ये स्मार्टफोन सिर्फ उन यूजर्स के लिए जो कि मल्टीमीडिया के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं और जिन्हें यहाँ पर डिसेंट टाइप की परफॉर्मेंस चाहिए, तो वो यहाँ पर स्मार्टफोन को जरूर से एक बार देख सकते हैं। 4GB रैम प्लस 64GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए नॉर्मली आपको देने पड़ते हैं लगभग 13,000 रुपए, लेकिन दोस्तों अमेजोन पर आपको यहाँ पर 500 रुपए का डिस्काउंट कूपन मिल रहा है, तो जिसे अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर स्मार्टफोन को सिर्फ और सिर्फ 12,500 रुपए की प्राइस पर परचेस कर सकते हैं। रुकिए, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक अच्छा सा गेमिंग स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं, जहाँ पर आपको अच्छे कैमरास, लंबी बैटरी लाइफ और अच्छा सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस भी मिल जाए, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं Realme का Narzo 50 पर प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती है। डिजाइन दोस्तों अपना अपना टेस्ट है, हो सकता है कि आपको पसंद हो सकता है कि ना भी पसंद हो, आप यहाँ पर देख लीजिए।
रही बात फोन के बाकी फीचर्स की, तो यहाँ पर भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक और सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर के साथ में आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन मिल जाते हैं। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉइड 11 बेस रियलमी के UI 2.0 पर, तो हल्के फुल्के ब्लॉटवेयर ऐप और एड आपको मिलते हैं, लेकिन फोन की सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। तो ये तो हुए फोन के बेसिक फीचर्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो ये फोन आता है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल के साथ में, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। और ये फोन आता है 600 नीट्स की ब्राइटनेस के साथ में, जो कि काफी अच्छी बात है। और गेमिंग के लिए आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाती है। ये फोन भी आपको काफी अच्छी डिस्प्ले के साथ में मिल जाता है, डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आती। कैमरास की बात करें तो फोन के बैक में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है। सामने की तरफ यहां पर भी आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर दिया गया है। फोन का कैमरा सेटअप डिसेंट है, लेकिन मेन कैमरा से आपको आउटपुट अच्छे मिल जाते हैं। इवन दोस्तों, आप यहां पर लो लाइट में भी थोड़ी अच्छी इमेजेस क्लिक कर सकते हैं। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो मैक्सिमम आप यहां पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे फ्रंट कैमरा से 30fps तक और बैक कैमरा से 120fps तक। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा पीछे मिलता है। फोन की परफॉर्मेंस की बात कर ले तो इस फोन में भी लगा हुआ है MediaTek Helio G96 का चिपसेट, जो कि बना हुआ है 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर। तो आपको यहाँ पर हीटिंग वगैरह की हल्की फुल्की दिक्कत आती है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाता है। और डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए इस फोन में आपको यहाँ पर 3.5 लाख के आसपास के अंततः स्कोर मिल जाते हैं, तो गेमिंग वगैरह आप यहाँ पर अच्छी कर सकते हैं। और इस गेमिंग को और इन्हेंस करने के लिए UFS 2.1 की स्टोरेज भी मिल जाती है, जो कि आपको यहाँ पर रीड और राइट के साथ साथ एप्स लोडिंग टाइम की स्पीड को भी बढ़ा देता है। और इन सभी को पावर देने के लिए फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000 mAh की बैटरी। और दोस्तों, ये फोन 33 वोट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 33 वोट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है, तो बैटरी मॉड्यूल फोन का आपको अच्छा मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं फोन के प्रोज की, तो फोन के अंदर आपको परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी लाइफ तो काफी अच्छी मिल जाती है, लेकिन अगर कॉन्स की बात करें तो ये स्मार्टफोन अभी भी एंड्रॉइड 11 के साथ में आता है और स्मार्टफोन के डेप्थ सेंसर वगैरह कोई भी काम के नहीं है। तो अगर आपको फोन पसंद आया और आप स्मार्टफोन को लेना, 4GB रैम प्लस 64GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए नॉर्मली आपको देने पड़ते हैं 13,000 रुपए। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहां पर किसी भी बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड से स्मार्टफोन को परचेस करते हैं, तो आपको यहां पर 1500 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके बाद इफेक्टिवली आप स्मार्टफोन को सिर्फ और सिर्फ 11,500 रुपए की प्राइस पर चेकआउट कर सकते हैं। 11,500 रुपए के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग फोन है, चाहे तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और आखिर में दोस्तों, बात कर लेते हैं इस लिस्ट के वन ऑफ द बेस्ट 5G फोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन होने वाला है पोको की तरफ से आने वाला पोको का M4 Pro 5G। स्मार्टफोन आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आती है। रही बात डिजाइन की, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिजाइन आपको कैसा मिलता है। कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिलेगा, तो आप यहां पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर 1 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की, तो एंड्रॉइड 11 बेस MIUI 12.5 पर यह स्मार्टफोन आपको मिलता है। हालांकि यहां पर MIUI 13 होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों यहां पर आपको पोको की कस्टम स्क्रीन मिल जाती है, जहां पर आपको ब्लॉटवेयर ऐप और एड वगैरह काफी कम मिलते हैं। तो देखा जाए तो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस से आपको यहां पर कोई खास शिकायत नहीं आती। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहां पर फोन के मेन फीचर्स के बारे में। सो गाइस, इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है और 450 नीट्स की आपको ब्राइटनेस दी गई है। गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। तो यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले दी गई है दोस्तों, वो कॉन्टेंट वगैरह वॉच करने के लिए काफी सही है और स्मूथनेस भी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। और अब बात कर लेते हैं फोन के कैमरास के बारे में। तो फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 2 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा मिल जाएगा 50 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। सामने की तरफ आपको मिलता है यहां पर 16 मेगापिक्सल का सेंसर। तो ओवरऑल यहां पर जो सेटअप है वो आपको अच्छा दिया गया है। और यहां पर पोको की तरफ से इस बार की जो ट्यूनिंग है वो थोड़ी सी अच्छी की गई, तो आपको यहां पर डिसेंट टाइप के आउटपुट मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप यहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग के शौकीन है दोस्तों, तो मैक्सिमम आपको यहां पर बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा 60fps पर। फ्रंट कैमरा से आप यहां पर फुल HD की ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे 30fps तक। सो ओवरऑल देखेंगे तो कैमरा आपको यहां पर डिसेंट मिल जाते हैं। और इन सभी को यहां पर चलाने के लिए फोन के अंदर दिया गया है MediaTek का Dimensity 810 का 5G चिपसेट,
और अगर हम इस बजट के हिसाब से देखें तो ये काफी अच्छा और पावरफुल चिपसेट है जो कि आपको यहाँ पर डे टू डे यूजेस और गेमिंग वगैरह काफी अच्छी करा देता है। अंतत स्कोर की बात कर ले तो लगभग आपको यहाँ पर 3.5 लाख के आसपास के स्कोर मिल जाते हैं और 5G स्मार्टफोन के तौर पर देखें तो ये काफी अच्छे स्कोर हैं। सो परफॉर्मेंस दोस्तों आपको फोन की नो डाउट काफी अच्छी मिलती है और इस परफॉर्मेंस को और भी इंक्रीज करने के लिए UFS 2.2 की स्टोरेज मिल जाती है। सो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर जो रीड और राइट की स्पीड है वो भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है। इन सभी को पावर देने के लिए फोन के अंदर लगी हुई है 5000 mAh की बैटरी, जहां पर आपको 33 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है, तो बैटरी मॉडल भी फोन का काफी अच्छा दिया गया है। तो अब बारी है यहाँ पर स्मार्टफोन के प्रोस की। तो फोन के अंदर आपको यहाँ पर अट्रैक्टिव डिजाइन मिलने वाला है, डिस्प्ले भी काफी अच्छी दी गई है, लाउड इनफ आपको यहाँ पर स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी फोन की काफी अच्छी मिल जाती है। जहां तक बात है कैमरास की तो आपको यहाँ पर गुड क्वालिटी के फोटोज भी देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फोन के कॉन्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स तो मिलेंगे, लेकिन इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो उतनी बेहतर आपको नहीं मिलती है। साथ में आपको यहाँ पर कोई भी मैक्रो लेंस नहीं मिलेगा और मैक्सिमम आप यहाँ पर फुल HD की ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर एक पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, साथ में आपको यहाँ पर एक फ्यूचरिस्टिक 5G स्मार्टफोन लेना है, तो आप यहाँ पर स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हैं। 4GB रैम और 64GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए आपको अभी देने पड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपये। वैसे दोस्तों अगर आप HDFC बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से स्मार्टफोन को परचेस करते हैं तो 1,000 रुपये तक का डिस्काउंट यहां पर भी आपको मिल जाएगा, जिसका मतलब कि आप इफेक्टिवली स्मार्टफोन को सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये की प्राइस पर परचेस कर सकते हैं। और 12,000 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो सुपर सुपर वैल्यू फॉर मनी फोन है दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसे भी जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 4 अल्टीमेट स्मार्टफोन जिनको कि आप एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। वैसे दोस्तों सभी के जो बेस्ट बाय लिंक्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, तो चेकआउट करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और जाते जाते हमको भी ये बताते जाइएगा दोस्तों कि आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।